आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो लोग सऊदी अरब में या फिर गल्फ कंट्री में कहीं पर भी रह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर अब आपको यहाँ पर रहना है या फिर आपको इकामा रिन्यू करवाना है तब आपके हाउसिंग रेंट यानी कि आप जिस भी घर में रह रहे हैं एग्रीमेंट पेपर की कॉपी आपके इकामा के साथ में लगेगी, उसके बाद में ही आप इकामा रिन्यू करवा पाएंगे। और आपको उसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर्ड करना है, जैसे कि वेबसाइट आप देखते हैं ijar.sa, अगर यहाँ पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद में यहाँ की गवर्नमेंट उसके रूल रेगुलेशन जो कुछ भी है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप जाके यहाँ पर इकामा बनवा पाएंगे। क्या ये वाकई में ऐसा हो रहा है कि हम बिना एग्रीमेंट पेपर के अपना इकामा नहीं बनवा सकते हैं? तो चलिए आज हम इन सारे सवालों के जवाब देखते हैं इस वीडियो में और आपको बताते हैं कि सच क्या है और किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देख रहे हैं अमान टेकवर्ड, मैं जाफर खान, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हम पता करते हैं कि क्या वाकई में हमारे जो हाउस रेंट जिस रूम में हम सऊदी अरब में रह रहे हैं उसका एग्रीमेंट पेपर हमारे इकामा के साथ में लगेगा तभी इकामा रिन्यू होगा या फिर नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले इसे इंग्लिश में कर लेते हैं, यहाँ पर हम ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट किया, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, रियल इस्टेट ब्रोकर यानी कि जो लोग रियल इस्टेट में काम करते हैं कमीशन लेकर, जो लोग कमीशन पर काम करते हैं उसके एजेंट हैं। रेगुलेशन एंड रेगुलेशंस फॉर आर रेंटल प्रोग्राम सबमिशन ऑफ आ कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि हमको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आके हमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में वो पेपर वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे आते हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, तो देखते हैं कि क्या वाकई ये हमारे लिए है या फिर हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया है तो यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉग इन कर लीजिए, नहीं किया है तो यहाँ पर हम रजिस्टर आ यूजर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो हिजरी में आ रही है, तो चलिए हम इंग्लिश में कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें समझ में आए। तो हम यहाँ पर कैलेंडर सेलेक्ट करते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई ये वर्क करेगा आपके इकामा आईडी के साथ में या फिर नहीं करेगा या फिर आपको इकामा रिन्यूअल करने के लिए इसकी कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट वन पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपनी आईडी, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी है, नेशनल आइडेंटिटी है, रेजिडेंस आइडेंटिटी है, विजिट आइडेंटिटी है, सिटीजन ऑफ गल्फ स्टेट पासपोर्ट या फिर अ सिटीजन ऑफ अ गल्फ स्टेट आ नेशनल आइडेंटिटी या फिर अदर। चलिए यहाँ पर हम अदर पर क्लिक करते हैं। ओके, अदर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा इकामा नंबर है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वन क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर आप अदर पे सेलेक्ट करते हैं तब भी आप यहाँ पर सबमिट नहीं कर सकते हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर आपको हम बताते हैं, यहाँ पर जो लोग गल्फ कंट्री के सिटीजन हैं यानी कि जो लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं, दुबई, कतर, कुवैत, फिलिस्तीन, यमन, मसर, इस तरीके की जो भी गल्फ कंट्री के लोग हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अगर यहाँ पर उनकी ऑफिस है, वर्क करते हैं अपनी ऑफिस खोल कर। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सऊदी के साथ में अटैच होकर भी वो काम कर सकते हैं, इकामा नंबर से नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास में यहाँ पर आपके पास में पासपोर्ट है गल्फ स्टेट का तब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, उसके बाद में आपको एक एग्रीमेंट पेपर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप यहाँ पर ऑफिस खोल सकते हैं। ये तो कन्फर्म हो जा रहा है कि ये आपके इकामा के साथ में ऐसा कुछ भी लिंक नहीं है। चलिए यहाँ पर हम दोबारा से वापस आते हैं वेबसाइट पर और यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं दूसरे ऑप्शंस पे, मिशन ऑफ आ कम्युनिकेशन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि किस किन लोगों के लिए यहाँ पर ये वर्क करता है। सबमिट आ रिपोर्ट क्रिएट आ नोटिफिकेशन, ओके, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आप वर्क करते हैं रियल इस्टेट के ब्रोकर हैं तब आप यहाँ पर सबमिट कर दिए। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कि आपकी जो आप ऑफिस है उसका नाम क्या है, आपका जो नंबर है उसे आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पर उसकी आईपी एड्रेस डाल दीजिए, आप किस शहर में हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपके जो ऑफिस है उस स्ट्रीट का नाम क्या है, जहाँ पर ऑफिस है उस स्ट्रीट का क्या नाम है। अब यहाँ पर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपकी जो ऑफिस का लाइसेंस नंबर है, लाइसेंस नंबर है, रुख्सा नंबर है, वो यहाँ पर आपको डालना है।
अब यहाँ पर आप देखते हैं रियल इस्टेट एक्टिविटी बाई अ नॉन सऊदी पर्सन। अगर आप रियल इस्टेट का काम करते हैं सऊदी पर्सन नहीं, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। कमीशन लेते हैं रिन्यूअल पे एग्रीमेंट पे, तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सारे के सारे टर्म एंड कंडीशन है जो कि यहाँ पर आपको शो होता है। यहाँ पर आपको नोट लिखना है, यहाँ पर एक फाइल है जो फॉर्म है वो सबमिट करना है, यहाँ पर जिसके नाम पे ऑफिस है उसका नाम एंड मोबाइल नंबर, उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। तो यहाँ पर ये साबित हो जा रहा है, ये कंफर्म हो जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर वर्क करने के लिए आए हैं अपने खुद से, जैसे कि कोई कोई साइक खास है, कोई मोबाइल का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, इस तरीके से जो वर्क करते हैं उनके इकामा के साथ में, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप रेगुलेशन एंड रेगुलेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि ये कब से और स्टार्ट हुआ है यह प्रोग्राम, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रॉनिक तौर पर यानी कि ऑनलाइन कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इसका ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है कि आपके इकामा अगर रिन्यूअल करवाना है तो आपको ये पेपर लगाना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी लगता है ऐसा कुछ, तो मैं वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से विजिट करके चेक कर सकते हैं। लगता है इस वीडियो से आपको या फिर आपके फ्रेंड को कुछ भी बेनिफिट हो सकता है, या फिर इस तरीके की वीडियो से अगर जो भी फेक वीडियो अपलोड हो रही है उनके बारे में मैं कुछ सही तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी आऊं लाइव या फिर अपलोड करूं कोई नई वीडियो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में।